हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, इस ब्लॉग में हम आप लोगों को मिलवाएंगे कुछ ऐसे बेजुबान जानवरों से जो कहीं ना कहीं हम लोगों की लाइफ का पार्ट होते हैं, मगर हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण इन जानवरों को टाइम नहीं दे पाते और ना ही कहीं ना कहीं इनकी केयर कर पाते हैं जो कि हमें करनी चाहिए। तो आज इस ब्लॉग में हम आप लोगों को मिलवाएंगे कुछ ऐसे जानवरों से, देखते हैं आगे ब्लॉग। शेखर और पीटी बाहर आ चुके हैं और अब हम लोग चल रहे हैं। टाइम हो चुका है 1:19। पीटी, शेखर चलें हैं? यही तो स्पेशल जगह है भाई, स्पेशल जगह लेके चल रहा हूँ तुम्हें आज। चलें, चलो ठीक, स्कूटी की चाबी जरा सर लगा दो। तो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं गौशाला। आप लोगों को दिखेगा किस तरीके में, किस समय भाई इनके लिए चारा मिल जाएगा। चारा नहीं आया तो क्या मिलेगा? कैसे क्या रेट दिया है? 13 रुपये किलो। 13 रुपये किलो। और वैसा हमारा चारा नहीं है तो हम दे सकते हैं ना? और कुछ नहीं है, मतलब चार, मतलब ये मिलेगा। इधर ही डाल देते ना, उधर की तरफ डाल भाई, हम डाल लेंगे ना, खुद कोई दिक्कत तो नहीं है। हैं, भाई हरा वाला चारा रोज ही आता क्या? आज वो शाम पैसे ले गया था लेकिन लेके नहीं। आज वो रात मौसम गड़बड़। हाँ 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 सही है, कल बारिश सी हुई है ना। चक्कर डाल दे भाई, दान पुण्य होता है। यार हरा वाला तो मिल नहीं रहा आज। भाई कितनी होंगी फिर भी ऑन एंड ऑफ यहाँ आई है? 150। यहाँ लोग आते रहते होंगे रोज? हाँ जी, डेली आते हैं। तो भाई चारा वारा मतलब भारी बेचने वाले आते हैं? नहीं नहीं, हमारे पास आता है तो सुबह बारिश हुई इसलिए आ नहीं पाया। अच्छा अच्छा, यहाँ डेली आता है 30-35 क्विंटल आता है। अच्छा, रोजाना डेली आता है। भाई तो जैसे ये गायें मतलब ये किसी की है पर्सनली की, मतलब जैसे? नहीं नहीं, सब ट्रेन का साथ रही है, किसी पर्सनल नहीं। अच्छा, मतलब जैसे कई सारी गायें इधर घूमती रहती है तो इधर डाली है अपना उनके लिए? ये तो बड़ा छोटा सा लग रहा है। सुबह जन्म लिया इसने। हाँ जी सुबह। हाँ जी। अरे यार कितना छोटा सा बच्चा है भाई, मगर आप लोग मतलब केयर करते हो यार, बहुत अच्छा है यार भाई। अच्छा चलो, एक मिनट रुक। डर रहा है ना बेटी? हाँ भाई, बहुत अच्छा काम है। अच्छा वो भी है, और भी है कई सारे। Thank you.
नहीं खाई थी अभी का एकदम प्योर खाना बढ़िया वो सब हाथ चोगा वगैरह बढ़िया तो यहाँ देखे तो भाई बहुत सारे लोग जैसे रखते हैं अपने चले जाते हैं ना आज हाँ जी नहीं सही ऐसे दूध वाले आए हैं सब इधर को आ जाएंगे तो इसमें भूसा रहेंगे पहले मतलब पहले इधर सानी कर देंगे फिर इधर भूसा फिर इधर में सान लग जाएगी अब मतलब खुली आएगा क्या दसी मुस्लिम होगा चार दिन पहले मतलब इसमें चार दिन का छोड़ेंगे ये बाहर का बच्चा है ऐसा था एक किसान था उसका गाय खत्म हो गई तो बोले भाई से इसको पाल लेना इसको ले लो ये आया कैसे बोले गाय जाए तो उसका भी बच्चा खत्म हो गया लेकिन ये लग गया उसके पीछे अच्छा उसका तो ये नहीं था गाइस कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ टाइम इन बेजुबान जानवरों के लिए भी निकालना चाहिए और जितना उनसे बन सकता है हमें इन जानवरों के लिए भी करना चाहिए और ये भाई लोग भी बड़े हेल्पफुल हैं इनके लिए ये अपना टाइम बहुत ज़्यादा इनके लिए निकालते हैं इनकी हेल्प करते हैं और देखो कितना अच्छा लग रहा है इनके साथ